दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नामदेव, आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। अगर आप मोटा पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठे बैठे, अगर आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और आप मोबाइल से अर्निंग करना चाहते हो, तो आज इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन का नाम है अपस्टॉक्स। आपने एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं अपस्टॉक्स के, और उसने 2021 आईपीएल में आईपीएल को भी उसने स्पॉन्सरशिप किया था। अपस्टॉक्स बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, आप प्ले स्टोर पर उसकी रेटिंग देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं रेफर एंड अर्न से, तो आपको बताना चाहता हूँ अपस्टॉक्स पर अगर आप रेफर एंड अर्न करते हैं तो आपको एक रेफर पे 500 रुपीज़ मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा रेफर मनी कोई भी एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, अपस्टॉक्स प्रोवाइड कराता है। और दूसरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं, तब भी आप अपस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अपस्टॉक्स पर आप निफ्टी, इक्विटी, सेंसेक्स या फिर गोल्ड कमोडिटी, क्रूड ऑयल, आप जिसमें जिस भी सेगमेंट में चाहें उस सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, ₹20 ब्रोकरेज चार्ज है पर ऑर्डर का, और ये सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज चार्जेज हैं। तो जितने भी जो ब्रोकिंग फर्म हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम तो नहीं लूँगा इस वीडियो में, उन सारी कंपनियों से सबसे सस्ता, सबसे लो कॉस्ट जो ब्रोकरेज है वो है अपस्टॉक्स का ही है। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ ये है कि अपस्टॉक्स पे आप रजिस्ट्रेशन तो करेंगे ही, बट जुलाई के पहले पहले तक अगर आप अपस्टॉक्स पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो कंपनी आपको आईफोन मोबाइल तक आपको एज अ गिफ्ट दे सकती है। लकी ड्रॉ है ये कंपनी की तरफ से, बहुत सारे लोगों ने विन कर चुके हैं, और आप भी अगर विन करना चाहते हैं तो आप एक लकी कस्टमर बन सकते हैं कंपनी के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंपनी आपको एक आईफोन भी मोबाइल आपको प्रोवाइड करा सकती है, एज अ गिफ्ट के रूप में दे सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने आईफोन जो विन किया है, तो आप भी अपस्टॉक्स ट्राई कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, रेफर एंड अर्न कीजिए और अपस्टॉक्स का यूज़ कीजिए। अपस्टॉक्स पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा अपस्टॉक्स पे आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है कि अगर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन पहले आया और पैन कार्ड का बाद में, तो शायद जब आप करें वो चीज़ तो आपको पैन कार्ड का पहले और आधार कार्ड का बाद में भी आ सकता है। स्टेप ऊपर और नीचे हो सकते हैं, बाकी प्रोसीजर सेम है। आप वीडियो पूरा देख लीजिए और आपको प्रोसीजर पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपनिंग लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस पेज पर आ जाओगे, इस पेज पर आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद एंटर करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, एंटर योर ओटीपी में। ओटीपी डालने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना रहेगा। तो ओटीपी आ गया है मुझे, मैंने साइन अप कर दिया है ओटीपी डाल के। इसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालना है, पैन कार्ड का जो नंबर रहता है वो डालना है। मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल में आपको जेंडर डालना है, मेल या फीमेल, आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपका एनुअल इनकम, आप साल में कितना कमाते हैं वो आपको डालना है आपके हिसाब से। मैं बिलो 1 लाख कर देता हूँ। ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपको क्या है, कितने साल आपने ट्रेडिंग किया है, वो अगर आपने पहले कभी ट्रेड किया है तो उतना एक्सपीरियंस भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं लेस देन 1 ईयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे है आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, यहाँ पे अगर आप किसी नेता की फैमिली से हैं या फिर कोई रिलेशन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं नो करता हूँ। उसके नीचे आपका ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या खेती करते हैं, कुछ भी आप करते हैं वो आप अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं प्राइवेट सेक्टर रखूँगा। उसके बाद योर फादर्स नेम एज़ पर योर पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड में आपके पापा जी का जो नाम लिखा है एक्चुअल, वो नाम आपको यहाँ टाइप करके डालना है और फिर हम एंटर करेंगे। अब देखिए आप, इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस अदर देन इंडिया या नो करना है। उसके बाद हमें एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो डिक्लेरेशन है इस पर हमें टिक करना है, फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब हमें ये पूछ रहा है कि आपको किन किन सेगमेंट में आपको एक्टिव रखना है। तो इक्विटी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी है, कमोडिटी है,
तो आप जिन जिन सेगमेंट में आपको ट्रेड करना है, अगर आप कमोडिटी में करना चाहते हैं कमोडिटी को भी चूज़ कर सकते हैं, आपको इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इक्विटी को ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है प्रायोरिटी प्लान और बेसिक प्लान, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये प्रायोरिटी प्लान और बेसिक प्लान। प्रायोरिटी प्लान में क्या है, आपको ज़्यादा लिवरेज और ज़्यादा मार्जिन मिलेगा इंट्राडे में, और बेसिक प्लान में क्या है, आपको उतना मार्जिन और उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा जितना कि आपको प्रायोरिटी मिलेगा। प्रायोरिटी में आपको 30 रुपीज़ पर ट्रेड का चार्ज लगेगा ब्रोकरेज, और बेसिक में आपको ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपीज़ पर ट्रेड। तो मैं यहाँ बेसिक चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा लिवरेज और मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेडिंग करने में। मैं बेसिक चूज़ करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये विंडो ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमें अपना बैंक का डिटेल डालना है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ये सब डाल के करंट है, सेविंग है, कौन सा आपका बैंक अकाउंट है, वो आपको सब यहाँ पे फिल करना है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं हाइड कर लेता हूँ थोड़ा सा। बैंक डिटेल डालने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमें ये आता है कनेक्ट योर डिजी लॉकर, तो यहाँ पर कनेक्ट योर डिजी लॉकर पर हम क्लिक कर देते हैं। अब डिजी लॉकर में हमें अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, आधार कार्ड इसमें हम एंटर करेंगे। अब आधार कार्ड वाला जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपका आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है, उस पर आप एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। ओटीपी आ चुका है और मैंने ओटीपी डाल दिया और कंटिन्यू भी कर दिया है। अब हमें यहाँ पर अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर, आप टेक अ पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी सेल्फी लेके अपलोड कर देंगे। मैं कर चुका हूँ। और नीचे आ रहा है शेयर लोकेशन, शेयर लोकेशन पे क्लिक करके आपको अपनी लोकेशन शेयर भी करनी होगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लोकेशन मैंने शेयर कर दी है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये पेज हमें आ रहा है रेफर एंड अर्न के लिए, तो अभी फ़िलहाल हम इसको स्किप कर देंगे। रेफर एंड अर्न हम बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, तो अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल देंगे, और ईमेल आईडी पे जो हमारा कोड जाएगा वो कोड हमें यहाँ पर डाल के नेक्स्ट कर देना है। सिंपल प्रोसीजर है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर अगर फ्री ऑप्शन है, अगर फ्री में अगर कुछ उनका चल रहा है ऑफ़र, तो फ्री में अकाउंट ओपन करना है, फ्री कर सकते हैं। अगर उनका कोई ऑफ़र नहीं चल रहा है तो हमें 249 रुपीज़ पे करके अकाउंट ओपन करना होता है, तो अभी 249 का आ रहा है। अब हमें नीचे ऑप्शन पूछ रहा है डू यू हैव मोबाइल नंबर विथ आधार कार्ड लिंक, हमारा मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड से लिंक है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। तो मैं यस कर लेता हूँ। अगर आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको एक फॉर्म आपके मेल आईडी पे जाएगा, वो आपको मैन्युअली भर के पोस्ट करना रहेगा। तो मेरा तो लिंक है तो मैं यस कर लेता हूँ। अगर आपका अकाउंट नंबर से, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आपका पेपरलेस अकाउंट ओपन होगा, आपको कुछ भी कोरियर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको पेपर प्रिंट लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मैं यस कर देता हूँ, मेरा लिंक है, कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, हमें आधार कार्ड के दोनों साइड की फ़ोटोज़ और पैन कार्ड की आगे की फ़ोटो, अपना बैंक प्रूफ, बैंक प्रूफ में आपका पासबुक हो सकता है या आप पासबुक ही रखिए ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर आप इंट्राडे और करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये सब आपको अपलोड करना है, जो जो मैंने बताया है, वन बाई वन आप सारे अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ई साइन विथ आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लेंगे आप क्या लिखा है, एनरोल नाउ, एनरोल नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब ये सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हो स्टार्टिंग में, वो मोबाइल नंबर पे आपको कोड जाएगा। सिक्योरिटी कोड आप जैसे ही यहाँ पर डाल देंगे, आपको नेक्स्ट ये वाली स्क्रीन एक फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर आपको साइन नाउ पर क्लिक करना है, नीचे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये NSDL का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आई हैव ऑथराइज वाला जो टिक है कॉलम, उस पर टिक करना है और यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको OTP डालना रहेगा।
आधार कार्ड का नंबर डाल के, आधार कार्ड डाल के हमें OTP डालना है। देख सकते हो मैंने OTP डाल दिया है, वेरीफाई OTP क्लिक कर दिया है। अब ये दिखा रहा है एप्लीकेशन का स्टेटस, मतलब 1 से 2 दिन में आपका जो सारे डॉक्यूमेंट है वेरीफाई कर लिए जाएंगे और आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जो अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो आपका अप स्टॉक एप्लीकेशन लॉगिन करने का रहेगा वो आपके मेल आईडी पे पहुंचा दिया जाएगा। वहां से आप यूज़र आईडी पासवर्ड लेके अप स्टॉक्स पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अप स्टॉक्स आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ये है अप स्टॉक्स एप्लीकेशन। तो आई होप यू गाइस आपको रजिस्ट्रेशन पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।